ब्रेन डेवलपमेंट क्या 5 साल तक होती है? कुछ लोग ये कहते हैं कि 7 साल तक होती है, मैंने ये भी पढ़ा है कि 15 साल तक होती है, और मेरे रिलीजन में तो यहां तक मानते हैं कि 40 ईयर्स तक होती है। सो क्या इसके पीछे करेक्ट हाइपोथेसिस है? ये कमेंट है सजीला का, द हीलिंग थेरेपी से कई सारे कमेंट कर चुकी हैं, और मुझे लगता है कि जैसे ही एक कमेंट रिप्लाई होता है, एक नया कमेंट आता है। आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर कमेंट्स, बहुत अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं और उसकी वजह से आपको ये सारे वीडियोस भी मिलते हैं। आपके भी अगर इसी तरह के कुछ कमेंट होते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो तो मिले ही, साथ में सजीला को पहले से फ्री कंसल्टेशन भी मिल चुकी है। सो मुझे लगता है कि अभी थेरेपी फ्री में करा के मानेंगे वो। तो आप लोग भी ऐसे कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, उससे क्या होता है कि चैनल को इनपुट तो मिलता ही है और साथ साथ अच्छे अच्छे वीडियोस भी आप लोगों को मिलते हैं। सो अभी एक काम करते हैं, हम लोग इस कमेंट को रिप्लाई करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करना चाह रहे हैं। सो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आ गया फटाफट से लाइक हिट कर दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ब्रेन डेवलपमेंट, अब उन्होंने कहा कि ब्रेन डेवलपमेंट की मैंने एक शायद मुझे लगता है कि पैटर्न ही एस्टैब्लिश कर दिया है उसका, उसको एक्सेसिव मोबाइल दे करके उसको वर्चुअल ऑटिज्म के डेंजर जोन में भी मैंने डाल दिया है, और अभी रिपीटेटिव पैटर्न भी शायद सब कुछ डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। सो कैसे मैं इन सब चीजों को समझूं, ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में मैं किस तरह से मोटिवेटेड फील करूं, या मुझे कब तक एफर्ट्स करने हैं, क्या ये स्टेबिलिटी की एज है या स्टेबिलिटी आ गई, ये सारी की सारी बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सजेस्ट किया जाता है, जैसे एजिंग होता है ना, एजिंग कहते हैं कि अब कुछ लोग कहते हैं कि जी यार ये तो 60 ईयर्स का है, ये एजिंग का डिसऑर्डर है, एजिंग से आपको ये प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया। एजिंग स्टार्ट हो जाता है जिस वक्त से आप कंसीव हो जाते हो, जब बच्चा कंसीव हो गया उसका एजिंग स्टार्ट हो जाता है। पैदा हुआ 0 ईयर्स का है, उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल आप हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, कुछ नेगेटिव लोग यहां तक बात करते हैं कि यार हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं, उनकी तो उम्र का 1 साल कम हो गया है और ये केक काट करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये बातें अच्छी हैं, ये बातें करनी भी चाहिए, लेकिन एजिंग स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह से हमारी बॉडी की, हमारी माइंड की, हमारी हर तरीके की जो सोशलाइजेशन है, हमारी लाइफस्टाइल है, सब चीजों में एक कुछ ना कुछ लर्निंग पैटर्न चलता रहता है। सो वो लर्निंग पैटर्न क्या होता है कि वो सारी उम्र चलता है, लेकिन जो एक बेसिक डेवलपमेंट होती है, वो बेसिक डेवलपमेंट यूजुअली क्या होता है कि 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक स्टेबिलिटी रहती है उन सब चीजों में, लेकिन हायर स्किल्स जो होते हैं, आप जैसे आपको किसी के साथ कैसे रिलेट करना है, कैसे किसी को समझना है, जीवन से जुड़े हुए, लाइफ से जुड़े हुए लेसन्स क्या हैं कि यार ये मुझे धोखा देगा, ये पॉजिटिव इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है, मुझे इसकी कंपनी में बैठना है, मुझे इसकी कंपनी में नहीं बैठना, ये सारे फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें, ये लाइफ स्किल्स जो है ना, हम बाद में जाकर के सीखते हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, चीज बुरी लगती है, इसने मुझे ये बात कही तो मुझे ऐसे लगी वैसे लगी, ये सारी चीजें जो ना ओवर द टॉप होती है, ये बाद में आती है। लेकिन ब्रेन की जो बेसिक डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, वो आपके सारी की सारी चीजें 14-15 साल की एज तक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि 15 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, उसके पहले आपकी प्यूबर्टी की एज भी आ जाती है, यानी हार्मोनल चेंजेस होते हैं लड़कियों में 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ये कुछ एजेस होते हैं। कुछ लड़कियों में 11 साल में, कुछ में 12 साल में, कुछ 13 साल में, कुछ 14 साल में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है, बड़ी सारी चीजें आती हैं, बहुत टेम्पटेशन की एज होती है, बहुत सारी क्यूरोसिटीज होती हैं। इसी तरह से बॉयज में क्या होता है कि यूजुअली 12-13 साल की एज से स्टार्ट कर सकते हैं आप, और 15-16 साल की एज तक उनकी मेच्योरिटी या प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है। सो ये प्यूबर्टी की एज आने पर, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसलिए हम कभी नहीं मान सकते कि इस एज से पहले पहले सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। इसलिए आपके पास कंप्लीट मौका होता है, अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो आप ये मत समझ के चलिए कि 5 साल में आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, 6 साल में कंप्लीट हो गई, 7 साल में कंप्लीट हो गई। नेवर से डाई एटीट्यूड आपका होना चाहिए अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं। मेरे पास इतने सारे केसेस हैं जिन्होंने ये सब काम करके दिखाए हैं, लेकिन वो काम तब हो सकता है जब पेरेंट्स पॉजिटिव हो। मैं ना यहाँ पेरेंट्स में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कई बार देखता हूँ, होना भी हो भी जाता है, इट इज क्वाइट नेचुरल, लेकिन क्या होता है कि नेगेटिविटी आपको कदम कदम पे मिलेगी, कई सारी चीजों में मिलेगी, और अगर आप नेगेटिविटी को लेकर के ही बैठ जाएंगे तो एफर्ट करना ही बंद कर देंगे। अब मैंने कहीं कुछ सुना था कि ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ऑप्टिमिस्टिक तो होना ही पड़ेगा, कि क्योंकि अदरवाइज कोई इलाज करने के लिए क्यों आएगा, कोई ट्रीटमेंट के लिए क्यों आएगा,
तो ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज नेगेटिविटी आपको हमेशा मार जाएगी। कि कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है, बिकॉज हाउ डू यू परसीव इट। जब आप कहते हैं कि ओके प्रॉब्लम आ गई है, रियलिस्टिकली उसको फेस करें, पॉजिटिव होकर के आगे बढ़े, आपके पास सारा स्कोप होता है। अभी सजीला ने बताया उनका बच्चा 5 साल का हो चुका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। 6, 7, 8, 9, 10 साल की एज तक आप उसे 100% नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए। अगर एफर्ट्स ही नहीं होंगे, पॉजिटिविटी नहीं होगी, आप मान लेंगे कि 5 साल में डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, मुझे किसी ने बता दिया है, तो कुछ नहीं होने वाला। अब ये सारी की सारी चीजें ना आपको यहाँ अपने माइंडसेट पे डालनी पड़ेंगी। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तभी आप एफर्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि कई लोग 7 साल में हार मान लेते हैं, कई 8 साल में, कई 9 साल में, कई 10 साल में, कोई 15 साल में। सो अभी रिसेंटली मैंने एक 15 साल के बच्चे को लिया है और उसके साथ काम करना शुरू किया है। तो अगर उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार कुछ हो नहीं सकता, तो वो डेफिनेटली आते ही नहीं। वो आए हैं पॉजिटिविटी के साथ, और इसी पॉजिटिविटी को सल्यूट किया जाता है कि चीजें हो सकती हैं। इसलिए आप लोग भी ये ना समझे कि ब्रेन का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का एक पैटर्न है, माइलस्टोन अचीवमेंट का एक पैटर्न है, लेकिन आप ये मान करके चले कि उसके ऊपर, ओवर द ऑन द टॉप ऑफ इट, आपका जज्बा, आपकी जो मोराल है वो कितना पॉजिटिव है, कितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप बैठ गए हैं कि कुछ नहीं होने वाला, फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इवन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे और ये डिसाइड कर लोगे कि हमें किसी भी एज का बच्चा हमारा है उसको ठीक तो करना ही है, और फिर दिन रात उसके पीछे पड़ जाओगे, चीजों के पीछे पड़ जाओगे, और एक प्रॉपर सेट रूटीन, सेट डिसिप्लिन के साथ चलोगे, तो कोई इंसान आपको नॉर्मल होने से नहीं रोक सकता, आपके बच्चे को नॉर्मल होने से नहीं रोक सकता। इसलिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। अगर आप नेगेटिविटी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर आप कुछ भी करते रहिए, सुबह से लेकर रात तक सारे के सारे एक्टिविटीज करिए, सीख के आ जाइए किसी से, चाहे घर पे कीजिए, कुछ भी करिए, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके बच्चे के जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं हो गए हैं, उनको फिक्सेशंस को मुझे तोड़ना है, उस लूप से उसको बाहर निकालना है, ताकि वो पॉजिटिवली एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना शुरू करे, उसका सेंसरी इंटीग्रेशन नॉर्मल हो। जो डिसइंटीग्रेट हो गया, मैं कई वीडियोस में आपको अभी रिसेंटली बता चुका हूँ, सो उस डिसइंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेशन में बदल करके अपने बच्चे को जोड़ने की कोशिश करें एनवायरनमेंट के साथ। यानी जब वो घर पे भी सीखेगा और घर से बाहर जब निकलता है वहां पे भी सीखेगा, हु कैन रियली स्टॉप हिम, और आपको भी कौन रोक सकता है उसको नॉर्मल करने के लिए। इसलिए नेगेटिव लोगों के नजदीक मत जाइए, नेगेटिव लोगों से नेगेटिविटी मत लीजिए, पॉजिटिव लोगों के पास रहिए, ताकि वो पॉजिटिविटी लेकर के आप आगे बढ़े, क्योंकि ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी आपके बच्चे को ठीक कर सकती है। अगर आप नेगेटिविटी हो लेकर के बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बेस्ट थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हैं, बेस्ट डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो भी आपका भला कोई नहीं कर सकता। अगर आप पॉजिटिव होकर के खुद से भी एफर्ट कर रहे हैं और किसी की सिर्फ गाइडेंस लेकर के आगे बढ़े जा रहे हैं, किसी सेंटर में नहीं जा रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू गॉट योर आंसर। बाय बाय।